हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं अरुणिता के बारे में। अरुणिता के कुछ एक वीडियोस बाहर आए हैं जिसमें वो एक पद्मावत के गाने पर उनका दर्शनी के साथ रील चल रहा है। आई रियली थोरली एंजॉयड इट। एक तो अच्छा ही लग रहा है कि चलो भाई कुछ तो उनकी तरफ से आया है। अपने लाइव के दौरान भी मैं बात कर रही थी कि हाँ आए तो अच्छा है, उनके फैंस के दिलों को थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। पर नहीं भी आए तो हमें ये समझना होगा कि पॉसिबली शी इज नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन, सो वी हैव टू गिव दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट इफ समबडी इज नॉट वेरी यू नो वेरी रेगुलर विद सोशल मीडिया। ठीक है, उन्होंने आपके दिल की बात को समझ लिया, आपका दिल रख लिया, आपकी बात को मान लिया, तो इसलिए भी आप सारे फैंस को बहुत सारा बढ़िया ऑल द बेस्ट और वाह भाई कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दिल की बात वो समझ गई और उन्होंने कुछ लेटेस्ट रील दर्शनी की तरफ से आए हैं जिसमें वो डांस कर रही हैं पद्मावत के इस गाने पर। अब एक और रील की मैं बात करती हूँ मेरा दिल ये पुकारे आ जाए वाला गाना जो है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ये रील मेरे देखने में और गाना सुनने में आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव दिस सॉन्ग। नागिन का गाना है, फिल्म नागिन का, और इसमें वैजयंती माला और प्रदीप कुमार जी हैं और जो गायिका है वो लता मंगेशकर जी हैं, एंड बहुत सुंदर विरह गीत है तो अच्छा लगता ही था, मुझको बचपन से सुना हुआ था। उसके बाद ये जो वायरल लड़की है पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं इनके सारे इंस्टा पर चेक करते करते गई तो ये पाकिस्तान की मोहतरमा है, और मुझे मजा तो इस बारे में सोचकर आया कि भाई पाकिस्तान की शादी में भी हिंदी और बॉलीवुड के सॉन्ग्स बज रहे हैं, मतलब हम कितने पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में भी हमारे गाने चल रहे हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। और ऐसे में एक ट्रेंड निकल गया, चूंकि वायरल हो रहा है तो वायरल फिर सभी लोग यू नो यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, कि चलो हम भी करके देखते हैं, हम भी मस्ती करेंगे। और लेटेस्ट मेरी आंखें तो तब खुल गई जब माधुरी दीक्षित हरसेल्फ शी डिड अ रील ऑन दैट, और ये जो मोहतरमा है पिंच ऑफ सॉल्ट नाम की पाकिस्तान की, वो खुद बोलती हैं कि मुझे खुद को नहीं मानता, मैं तो एक शादी में सिर्फ गई थी, एक डांस परफॉर्म किया और कैसे वायरल हो गया, 4-5 दिन बाद मुझे समझ में आया, और अब माधुरी दीक्षित ने कर दिया, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये वाला गाना लोगों को पसंद आ रहा है। और ऐसे में इस ट्रेंड में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है, वो है आपकी अरुणिता का। तो अरुणिता, जब तुम ये रील कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रिमिक्सेस हर बार अच्छे होकर आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला रिमिक्स भी मानना पड़ेगा, ये बड़ा दमदार बनाया गया है। सो वाह भाई, तुम हमेशा कुछ नया नया करती रहो, लोगों के बीच उनके दिलों से जुड़ती रहो। मेरी एक्चुअली यही इच्छा है कि इस तरीके से चीजें लोगों के सामने आती रहे, ताकि लोग तुमको जो बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कि तुम्हें देखकर उनको कुछ तो नया सुख हो, कह रहे भाई सुंदर सा चेहरा दिखाई दे गया। प्लीज कीप डूइंग दैट। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पवनदीप का भी रील बहुत ज्यादा चल रहा है बेड़ू पाको को लेकर, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, डोंट स्टॉप डूइंग दैट। गाना बहुत सुंदर है, हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, सलीम सुलेमान जी की पूरी इसमें उन्होंने ताकत लगाई है, भूमि 2022 में वो आया है, पवन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भी सपोर्ट करते रहिए। और अरुणिता, प्लीज ऐसे कुछ कुछ अपलोड करते रहा करो यार, सुबह बड़ी सुंदर हो जाती है मेरी। पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। अब आप बताइए, आपको ये वाले रील जिसमें वो माधुरी दीक्षित की तरह वो भी अपने रील बनाकर चमक रही है अरुणिता, वो रील आपको कैसी लगी? जय हिंद।